हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रेडर्स लाइब्रेरी, इंडियाज़ फर्स्ट एंड बिगेस्ट लाइब्रेरी ऑन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स के 12th पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम जनरल कंसल्टेंसी, जिसे विवेक और योगेश ने शुरू किया था, उसके आगे की जर्नी के बारे में बात करेंगे। जनरली तीन टाइप्स की कंपनीज होती है, स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और लार्ज कैप कंपनीज। एक और भी तरीका होता है जिसे कहते हैं पेनी स्टॉक्स, उसके बारे में हम इसी लेक्चर में बाद में बात करेंगे। तो पहले हमें पता करना होगा कि जनरल कंसल्टेंसी एक स्मॉल कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है या फिर पेनी स्टॉक है। तो कंपनीज का ये जो कैटेगराइजेशन है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन पर डिपेंड करता है, यानी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि कंपनी मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है या पेनी स्टॉक है। तो अगर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है ये पता नहीं है, तो आपको बता दूं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन से कंपनी की साइज पता चलती है, यानी ये पता चलता है कि कंपनी छोटी है, मीडियम साइज की है, बड़ी है या फिर बहुत ही छोटी है। तो यहाँ पर अगर आपको पता करना है कि जनरल कंसल्टेंसी बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है, तो उसके लिए आपको पता करना होगा उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। और मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला है शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो मान लेते हैं कि जनरल कंसल्टेंसी के टोटल शेयर्स 16,33,98,690 है और जनरल कंसल्टेंसी की शेयर प्राइस फिलहाल 320 रुपए चल रही है। तो आप नंबर ऑफ शेयर्स को, यानी 16,33,98,690 को जनरल कंसल्टेंसी के शेयर प्राइस यानी 320 रुपए से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको जनरल कंसल्टेंसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चलेगी, जो कि निकल कर आती है 5,228.75 करोड़। तो यहाँ पर हमें जनरल कंसल्टेंसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चल गई है। तो अब जनरल कंसल्टेंसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,228.75 करोड़ है, तो फिर जनरल कंसल्टेंसी एक स्मॉल कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है या लार्ज कैप कंपनी है या फिर वो पेनी स्टॉक है, ये कैसे पता करें? तो जनरली जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 14-15,000 करोड़ से कम होता है, उन्हें स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है। और जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 14-15,000 करोड़ से 80-90,000 करोड़ के बीच रहता है, उन्हें मिड कैप कंपनीज कहा जाता है। और जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 80-90,000 करोड़ से ऊपर रहता है, उन्हें लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। जनरल कंसल्टेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,228.75 करोड़ है, यानी उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 14-15,000 करोड़ से कम है, इसलिए जनरल कंसल्टेंसी एक स्मॉल कैप कंपनी है। और भी एक कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं पेनी स्टॉक्स, यानी जिन कंपनीज की शेयर प्राइस बहुत ही ज्यादा कम होती है और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत ही ज्यादा कम होता है, उन्हें पेनी स्टॉक्स कहते हैं। यानी सुजलॉन एनर्जी, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये पेनी स्टॉक्स है क्योंकि इनकी शेयर प्राइस भी कम है और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत ज्यादा कम है। तो जनरली जिन कंपनीज की शेयर प्राइस 20-30 रुपए से कम होती है और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ के नीचे होता है, उन्हें पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। ये एक बहुत ही रिस्की कैटेगरी होती है, इसलिए यहाँ पर इन्वेस्ट करते समय आपको 10 बार सोचने की जरूरत है। बहुत सारे लोग जो कम अमाउंट से शुरुआत करते हैं, वो इन्वेस्ट करते टाइम पेनी स्टॉक्स की तरफ ही ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं किसी बड़ी कंपनी का शेयर खरीदूंगा तो मैं शायद अपने पैसों से 1-2 शेयर ही खरीद पाऊंगा, लेकिन अगर मैं छोटी प्राइस वाले शेयर खरीदूंगा तो मैं 100-200 रुपए में भी बहुत सारे शेयर्स खरीद पाऊंगा, और अगर कोई शेयर 1 रुपए का है और वो 2 रुपए का हो जाता है तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। तो वो कुछ इस तरह सोचते हैं। पेनी स्टॉक्स को कई बार भंगार कैप्स भी कहा जाता है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में ज्यादातर कंपनीज बड़ी ही भंगार कंपनीज रहती है, जो किसी काम की नहीं होती, वो बस चल रही है तो चल रही है, उनमें ना कुछ ग्रोथ हो रही होती है ना कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसे वो कंपनी रिकवर कर पाए। सो अगर आप नई नई इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो तो अब इस कैटेगरी से बिल्कुल ही दूर रहिए, यानी पेनी स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं है। देखो, ज्यादा लालच के चक्कर में बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते बैठते हैं और शुरुआत में ही अपना पैसा गवा देते हैं, तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर लार्ज कैप कंपनी की बात करें तो इसमें वो कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही ज्यादा होता है, यानी 80-90,000 करोड़ के ऊपर होता है। तो ये कंपनीज कंपेरेटिवली काफी स्टेबल होती है, ये कंपनीज अपने आप को प्रूव कर चुकी होती है और इनका ब्रांड नेम भी काफी बड़ा होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस, ये सारी लार्ज कैप कंपनीज है। लार्ज कैप कंपनीज को ब्लू चिप कंपनीज भी कहा जाता है। तो लार्ज कैप कंपनी स्टेबल कंपनीज होती है, यानी अगर कभी क्राइसिस भी आता है तो इस कंपनी के पास उतना बैकअप होता है कि वो उस खराब टाइम में भी स्टेबल रहे, इसलिए लार्ज कैप कंपनीज में की हुई इन्वेस्टमेंट कंपेरेटिवली सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है और लार्ज कैप कंपनीज स्टेबल रिटर्न्स देने के लिए जानी जाती है। देखो, ऐसा नहीं कि कोई कंपनी लार्ज कैप है तो आप आग बंद करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। इन्वेस्ट करते टाइम आपको बहुत सारा एनालिसिस करना होता है, जिसके बारे में हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्मॉल कैप कंपनीज की। स्मॉल कैप कंपनीज छोटी कंपनीज होती है, और जब कोई कंपनी छोटी होती है तो दो चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, पहला ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और दूसरा फेल्यूर का रिस्क। जो छोटी कंपनीज होती है उनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा होती है,
वही साथ ही फेल होने का खतरा भी उनमें काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर कोई बड़ा इशू हो जाता है या बड़ा क्राइसिस आ जाता है तो ये वो कंपनीज होती है जो सबसे पहले फेल हो जाती है, क्योंकि इनके पास ज़्यादातर टाइम वो बैकअप नहीं रहता है कि ये खराब टाइम में भी स्टेबल परफॉर्म कर पाए। तो जब भी आप किसी स्मॉल कैप कंपनी का एनालिसिस करोगे तो ज़रूरत है आपको डीप एनालिसिस करने की, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है और आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है और अच्छे रिटर्न कमाने हैं तो पहली चीज़ जो आपको सीखनी होगी वो ये कि रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं। कई बार चाहे कैटेगरी कौन सी भी हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है जहाँ पर रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम होता है और जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरह का रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखना होगा और धीरे धीरे करना होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, इट्स नॉट अबाउट रिस्क टेकिंग, इट्स अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमें पता चल गया है कि जनरल कंसल्टेंसी एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो फिर अभी इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें, अगर करें तो फिर किन किन चीज़ों पर ध्यान रखें, ये सबसे बड़े सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। और अगले लेक्चर से हम इन्हीं सवालों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो पेनी स्टॉक्स हैं इनसे आपको बहुत दूर रहना है, हमेशा दूर रहना है। अब बस लालच में आकर पेनी स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए। हम ये चीज़ बार बार इसलिए बता रहे हैं कि ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स बहुत ही गई गुजरी कंपनीज होती है जो कुछ भी काम की नहीं होती, या तो वो बैंक्रप्सी के नज़दीक होती है या तो फिर किसी स्कैम या इशू में फंसी हुई होती है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते टाइम पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की गलतियाँ बिल्कुल भी मत कीजिए। हाँ, एक बार आप एक्सपर्ट हो जाते हो, आपको एनालिसिस पूरा आ जाता है, तो फिर आप पेनी स्टॉक के बारे में सोच सकते हो कि गलती से कोई ऐसा स्टॉक तो नहीं है जो पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आ गया है। तो ये बात की बात है, लेकिन जहाँ तक शुरुआत की बात है तो शुरुआत में पेनी स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्ट करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।